अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वनडे सीरीज जारी है। रावलपिंडी लैग हो चुकी, दोनों मैचेज हो गए वनडे के। रावलपिंडी में टेस्ट T20 भी हो गए, अब कराची की बारी है। वेनसडे से कराची में मैच शुरू होगा वनडे का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक बार फिर आमने सामने होंगे। दो मैच खेले, दोनों पाकिस्तान ने जीते, अच्छा जीते। फखर जमान की दोनों मैचेज में सेंचुरी रही, बाबर आजम अनलकी रहे, 49 पे पहले मैच में आउट हुए लेकिन दूसरे में उन्होंने 60 प्लस स्कोर किया, तो ये कुल मिला के स्कोर हुआ। इमामुल हक डूइंग गुड। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट खेल तो अच्छा रही है, सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मिडल ऑर्डर की कमजोरी है, स्पिनर की लैकिंग है हमारे पास। एक ही टाइप स्पिनर है, लेग स्पिनर हैं तो सब लेग स्पिनर हैं, अगर लेफ्ट आर्म है तो ऑब्वियसली उसकी भी जो बॉलिंग डायरेक्शन है वो लेग की तरफ होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमें एक स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफ स्पिनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि हमने आगे वर्ल्ड कप खेलने जाना है। वर्ल्ड कप भी स्लो पिचेस पर होगा, एशियन पिचेस पे होगा ऑब्वियसली, या तो इंडिया में होगा, अगर इंडिया से बाहर हुआ तो बहुत ज़्यादा भी हुआ तो UAE में हो जाएगा। अब चीज़ें देखना यूँ हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी है, पेसर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बैटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के मसाइल किस हद तक हल हो चुके हैं। रिजवान डूइंग गुड, लेकिन वो बिल्कुल अगर हम कहें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में वो परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम के बाद हमें शान मसूद भी सेट होते दिखाई नहीं दे रहे, अब्दुल्ला शफीक भी अभी सेट होते दिखाई नहीं दे रहे। हारिथ सोहेल को बार बार चांस मिला है, लेकिन हारिथ सोहेल जो हैं वो अभी तक उस तरह से फिटनेस अपनी प्रूफ नहीं कर पाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट को रिक्वायर्ड है। डोमेस्टिक में उनके ये मसाइल हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं जी, साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर के साथ साथ कमेंटेटर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं क्रिकेट पर। तो बहुत सारी चीज़ें अहमद भाई आज आपसे भी डिस्कस होंगी। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरफा फिरोज़ ज़की ने हमें ज्वाइन किया, नाजरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, इंटरनेशनल फुटबॉल प्रीमियर लीग जारी है, जरा सा प्रीमियर लीग का हाल और वहां पर होने वाले मैचेस वो भी जरा आपको बताते हैं। आप तक हमने पहुंचा दिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन शुरू करेंगे और फिर जरा क्रिकेट, आज जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि अरफा भी मौजूद हैं, बहुत कवर करते हैं, बहुत चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, तो ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट से पूछने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास क्या ऑफ स्पिनर कोई है भी, या हम वाकई में एक अच्छे सकलैन मुश्ताक सईद अजमल जैसे ऑफ स्पिनर में लैकिंग कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, अरफा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद साहब भी मौजूद हैं और नाता मुश्ताक भी मौजूद हैं। अहमद भाई शुक्रिया टाइम निकाला आप लोगों ने। अहमद भाई दो वनडे हुए हैं, दोनों वनडे अच्छे रहे, पाकिस्तान दोनों वनडे जीता। लास्ट वनडे में स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया, 337 करना था पाकिस्तान को, कर लिया। फखर जमान ने 180 किया, बड़ा शानदार खेला, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लंबी इनिंग्स हैं, मौके मिलते हैं, चांसेस तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जब दो दो कैच छुट रहे हों फिर थोड़ा सा हौसला भी रखना चाहिए क्योंकि आगे आपने पाकिस्तान में नहीं खेलना और जहां भी खेलना है वो बॉलिंग हेवन पिचेस तो होंगी नहीं जिस पर हम रिलाई करते हैं अपने बॉलर्स पर, तो पिचेस भी आपकी स्पिनर को सपोर्ट करती हैं। इंडिया में तो यही होगा वर्ल्ड कप के लिए, और फिर बैटर्स आप क्या तो हैं अच्छे, लेकिन मिडिल ऑर्डर का हमें स्टिल प्रॉब्लम लगता है। फिलहाल तो ज़रा पहले दो मैचेस का पोस्टमार्टम कर लेना। पहले दो मैचेस ऑब्वियसली जिस अरसनल आपने देखा, T20 में भी हमने पहले दो जीते, सीरीज जीत सकते थे लेकिन उसके बाद से कंप्लेसेंट हो गए, या न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला और फिर न्यूजीलैंड की हम कहें कि पहली स्ट्रिंग नहीं है उनकी, ये सेकंड टीम है क्योंकि पांच या छः में, वैसे तो आठ प्लेयर उनके नहीं है लेकिन पांच या छः ऐसे इंपैक्ट प्लेयर थे जो इस टीम का हिस्सा नहीं थे। हम अगर दो साल पहले से लेकर चले अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की बी नहीं सी टीम से हम हारे, फिर साउथ अफ्रीका में भी उनके की प्लेयर्स नहीं थे, फिर जिम्बाब्वे में हम फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट जिम्बाब्वे हारे, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो कम्प्लेसेंट हो जाती है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म यह है कि आपको कहीं पे भी रिलैक्स नहीं होना, आप किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको अपना 100% देना है। और अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर हम इस बॉलिंग अटैक की बात करें तो उनके स्पिरिट फास्ट बॉलर टिम साउदी नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, उसके अलावा लॉकी फर्गसन नहीं है, अगर हम एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की बात करें वो अगर होते जो कि लास्ट ईयर जनवरी में जब वो खेल करके हमने देखा था कि हमारे बैट्समैन ने स्ट्रगल किया था, उन्होंने उनके अगेंस्ट वर्कआउट करके आए थे। एक स्ट्रेटजी थी कि उनके जो हमारे बैट्समैन के जो वीकनेसेस हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजी डिज़ाइन की और वो वर्कआउट की, तो हमें नज़र आया कि सवाए बाबर आजम के
या रिजवान के बाकी कोई नहीं रन कर सका। फखर जमान की अगर बात करते हैं कि यस रिकॉर्ड उन्होंने 5 रिकॉर्ड ब्रेक किए, फास्टेस्ट 10 सेंचुरीज, फास्टेस्ट टू 3000, मतलब बाबर आजम का रिकॉर्ड, 3 सेंचुरी एक साथ वाले भी चौथे प्लेयर पाकिस्तानी हो गए एशियन, मतलब आप रिकॉर्ड बनाते जाए बनाते। लेकिन आपको मुझे इंजमाम उल हक की एक बड़ी अच्छी बात याद, मैं आपको यहाँ पे अपने देखने वालों को भी बताते चलूँ कि जब इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर थे तो वो ये कहते थे कि प्लेयर ने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में लेट से स्कोर किया, एक तो मैं पिच कंडीशन देखता हूँ किस पिच पे उसने स्कोर किया और ऑपोजिशन किस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। ये चीज़ है, देखिए प्लेयर को आपको वहाँ से जज करना है। अब फखर जमान की 180 नो डाउट बहुत अच्छी आपको नजर आएगी, रिकॉर्ड बुक में नजर आ रही है कि मैच विनिंग इनिंग, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2 कैचेस छोड़ गए, वो कैचेस पकड़ लिए जाते, 55 पे पहला कैच छोड़ा, 89 पे पाकिस्तान था उस वक्त, तो 55 पे फखर थे। हाँ, तो क्या पाकिस्तान उनकी उस वक्त विकेट गिरती उसके बावजूद पाकिस्तान ये प्रेशर में आ सकता, चेस डाउन कर सकता, बहुत सारी चीज़ें ये वर्कआउट है बेसिकली। यहाँ न्यूजीलैंड की फील्डिंग को आप ज़रूर इल्ज़ाम दे सकते हैं कि उन्होंने क्रूशल मोमेंट पे की कैचेस छोड़े जो कि कभी नहीं छोड़ते, इतनी अच्छी फील्डिंग साइड है। लेकिन फखर जमान, इमामुल हक एक अच्छा ओपनिंग पेयर, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप्स इन्होंने दी हुई हैं। फिर हमारा अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, बाबर आजम बहुत अच्छा है, पहले वनडे में रिजवान चौथे नंबर पर बैटिंग करने, बिल्कुल इधर उनसे क्यों नहीं ऊपर बैटिंग करवाई गई, क्यों अब्दुल्ला शफीक को भेजा गया पहले? ये शान मसूद की जगह अगर अब्दुल्ला शफीक आता वो नीचे नहीं आ सकता था ना, मजबूरी ये कि अब्दुल्ला भी या तो वन डाउन खेलेगा, ओपनर खेलेगा या फिर इसी पोजीशन पे खेलेगा। देखिए प्लेयर आपने बनाना है, लेकिन जो एक फॉर्म में प्लेयर है और आपको 337 चेस कर रहा है, क्या रिजवान क्या गारंटी थी कि आके वो भी इसी तरह की एक जो कल उन्होंने परसों नहीं खेली, तो मैं आपसे बात वो ना खेलते, फिर शाहीन को इफ्तिखार से ऊपर भी भेज के एक तजर्बा करके देखा, बहुत जल्दी बहुत अर्ली कर लिया, बहुत अर्ली कर दिया। अरफा क्या कहते हैं, 2 मैचेस आपके सामने हुए, आपने कवर भी किए, खुद भी आप मौजूद रहे ग्राउंड में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस से पहले। एक तो शादाब उस तरह से मुझे कलर में नज़र नहीं आ रहे, शाहीन मुझे उस तरह से कलर में नज़र नहीं आ रहा जो शाहीन का खासा है, पहली विकेट निकालते हैं लेकिन जो डेथ ओवर्स हैं वहाँ पर पता नहीं क्यों हमारे पेसर्स, हम तो पूरी दुनिया को अपने पेसर से डराते हैं ना, अब वही पेसर्स अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो हमारे लिए आगे बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में पिचेज ऐसी ही मिलनी है। अरफा मेरी आवाज आ रही है? अरफा चले, अच्छा उनसे राब्ता करें जब तक। पॉइंट आपने बड़ा अच्छा रेज किया है कि शॉर्ट कमिंग्स, हम अगर फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं और शाहीन शाह अफरीदी की, हमने देखा T20 वर्ल्ड कप 2021 से लेके जब मैथ्यू वेड ने इनको एक्सपोज किया, अगर आप प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे लेंथ में तो बैट्समैन आसानी लाइनअप कर लेता है। शाहीन शाह अफरीदी को अपनी लेंथ को ऑल्टर करना है, अपनी पेस को ऑल्टर करना है। डेथ ओवर में बॉलिंग करना एक स्पेशलिस्ट का काम है, लेकिन डेथ ओवर में अगर आपके पास पेस है तो आप बैक करेंगे अपनी उस स्किल को कि आप यॉर्कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं परफेक्टली। यॉर्कर बेस्ट वेपन है अगर आप डेथ ओवर में बॉलिंग। या आपने बड़ी, मैं चाहूँगा हम अभी इस पर जरा डिस्कशन हो रही है तो आपसे भी वापस, अरफा ने भी दोबारा में ज्वाइन कर लिया। जी अरफा, अच्छा चले आप कर लें बात। डेथ ओवर में देखें मैं वही कहता हूँ कि पावर प्ले यानी फर्स्ट 10 ओवर्स और उसके बाद से आखिर के डेथ ओवर्स की बात कर लें। पहले पावर प्ले की बात करें तो 2 फील्डर आउटसाइड द सर्कल आपको बाउंड्री रोक रहे हैं, तो वहाँ बैट्समैन के लिए बहुत ईजी है कि वो इनसाइड द सर्कल फील्डर के बैट ऊपर से लगा रहे हैं तो बाउंड्रीज हासिल कर सकता है। लेकिन फ्रॉम ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40 4 फील्डर आपको सर्कल के बाहर मिल रहे हैं और फ्रॉम 40 टू 50 5 फील्डर मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी फील्ड प्लेसिंग है, बैट्समैन कहाँ वीक है, बॉलर अपनी मर्जी से फील्ड सेट कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं यॉर्कर लेंथ कर रहा हूँ या मैं शॉर्ट पिच बॉल कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे शॉट्स लग सकती हैं, वो एरियाज मैंने प्लग किए हुए हैं कि वहाँ पे बाउंड्रीज में फील्डर पोजीशन है। हाँ, एक आध बॉल ऊपर से चली जाएगी, हर बॉल नहीं जा सकता क्रिकेट में, एक आध मिस टाइम होगा वो बाउंड्री के अंदर, आपको विकेट बाय करनी पड़ती है, आपको गैम्बल करना पड़ता है बजाय इसके कि आप उसको वेट कर रहे हो। जो अहमद भाई आप स्ट्रेटजी इसलिए भी आप ज्यादा, आपका मुझे मजा आ रहा है क्योंकि आप खुद बॉलर रहे हैं, आपने अपनी क्रिकेट एज ए बॉलर खेली है, तो आपको इसकी स्ट्रेटजी में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो वेपन होता है जिसको आप यॉर्कर कह रहे हैं कि डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर आजकल वेरिएशन, ये बड़ा एक नया हथियार आ गया कि आपको इस्तेमाल बैट्समैन को देखते हुए करनी पड़ती है, निकल निकल के मार रहा है तो पेस को चेंज करना पड़ता। नादरा भी हमारे साथ है, नादरा पहले तो ज़रा ये बताएं कि क्या मामला है जी, PIA ने सीढ़ी नहीं दी, टीम पहुँच गई थी वहाँ पर। नादरा मेरी आवाज आ रही है? क्या बात है भाई, क्या बात है, नादरा की भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें, हम जरा
इस पर आप जो वेरिएशन वाली मैं बात कर रहा था, हाँ, वेरिएशन की परफेक्ट एग्जांपल है एग्जीक्यूशन की प्रेशर में हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के पास भी वही पेस है, लेकिन जो लेंथ ऑल्टर करते हैं, जो सटल चेंज करते हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, उसके बाद इन टू द पिच स्लोअर वन, तो बैट्समैन जो है वो उनकी 145 kph की स्पीड को गैस करके एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से बैट घुमा रहा होता है, लेकिन वहाँ जो उनकी सटल चेंज है वो डिसीव कर देते बैट्समैन को कि बैट तेज, स्विंग उसका तेज है, बॉल लेट आया और फिर वो टॉप एज लग जाएगा या वो डिसीव हो जाएगा, प्रॉपर शॉट नहीं खेलेगा, इनसाइड द बाउंड्री उसको कैच आउट कर लेते। तो ये बहुत परफेक्शन है और ये हर किसी का खासा नहीं है। नहीं कर सकते शाहीन शाह अफरीदी, कोई बात नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी क्या कर सकते हैं? आपके पास स्पेस है, मैं कहता हूँ अच्छा जिसके पास ये तो नहीं है एमटीबी के शाहीन थोड़ा सा डी फोकस हो रहा है बैटिंग पर तवज्जो की वजह से, ऐसा तो नहीं है? मैं भी गलत हो सकता हूँ। देखिए बैटिंग हर बॉलर जो है उसको खुशी होती है कि वो थोड़ा बहुत बैटिंग करे, क्योंकि जब वो बॉल कर रहा होता है बैट्समैन उसकी बॉल को जब आसानी से मिडिल कर रहा होता है तो उसको नजर आता है कि बैटिंग बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान खेल नहीं है। आपको ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म होता है, बिल्कुल ठीक, हर काम आपके लिए नहीं है, आप बॉलर हैं तो कुछ होते हैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी आ जाती है, जैसे या कैलिस की हम बात कर लेंगे, अगर आप उनको बैटिंग करा दें या आप बॉलिंग करा दें वो दोनों शोबे में आपको डिलीवर करके दिखाएंगे। उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। हाँ, आपकी कोशिश है, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आप जारी रखें इसको और ग्रूम करें अपनी बैटिंग को, पॉलिश करें, लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग करना अगर आपसे लेट से नहीं हो रहा सही एग्जीक्यूट और बैट्समैन ने आपको लाइन अप किया हुआ है तो आपको विकेट बाय करनी है। आपको विकेट बाय कैसे करनी है? आपको बैट्समैन का आर्क देखें कहाँ मार रहा है, आपको लॉन्ग ऑन, कॉ कॉर्नर, मिड विकेट, शाहीन शाह अफरीदी को इधर शॉट लग रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो तीन फील्डर प्लेस, अच्छा चैपमैन सबसे ज्यादा उसको हिट चैपमैन ने किया है और काफी निकल निकल के हिट किया है। उसकी रीजन ये थी कि चैपमैन बहुत फॉर्म में है, पूरी सीरीज में स्कोर कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि डेथ ओवर्स में T20 की बात कर रहा हूँ, वो जब निकल के खेल रहा था तो यॉर्क कर रहा था उसको कोशिश शाहीन और पेस के साथ, लेकिन उसकी पेस बड़ी कम लग रही थी मुझे, 40 से भी नीचे आई हुई थी। हाँ, इतनी कम पेस में देखें पिंडी की विकेट हमें कहा, आप बताइए इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज से देख लें, उसको रोड कहा जाता है, इंतहाई बैट्समैन के लिए साजगार के बाद आसानी, उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन बॉलर को भी दे दें कि कंडीशन बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन आप पिच को माइनस कर दें, आप उस जो आपकी एक रेस जा रही है बिटवीन द बैट्समैन एंड द बॉलर, आप उस पिच को माइनस कर दें। और माइनस करने का क्या मतलब है? आप ऑफ द एयर पेस अपनी शो कर रहे हैं, आप यॉर्कर लेंथ पे बॉल को लैंड ही पिच पे कर रहे हैं बैट के नीचे, वहाँ पर आप कर सकते हैं, वहाँ छः के छः बॉल ट्राई ज़रूर करें, मैं ये कहता हूँ ट्राई करें और एक आध चले आपको चौका लग जाएगा, छक्का लग जाएगा, बजाय इसके कि आप, हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी को 4 ओवर में 8 चौके लगे T20। इधर भी हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी को 10 ओवर में 60 रन पड़ रहे हैं, इसमें भी 8 चौके लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हैं शाहीन शाह अफरीदी के लिए, तो बाउंड्रीज को मिनिमाइज करें और उन जगहों पे फील्डर प्लेस करें। हारिस रऊफ को कैसे देखें? हारिस रऊफ देखें, कल भी उन्होंने, परसों भी उन्होंने 78 रन जरूर दिए, लेकिन 4 विकेटें आपको लेके दी। जब बॉलर एग्रेसिव होता है तो वो रन जरूर देगा, लेकिन वो आपको विकेट, एक जमाने में वकार यूनुस बड़े एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन जो विकेट का कॉलम उनका हमेशा हमने देखा, वहाँ पे आपको 3-4 3-4 शॉर्टर फॉर्मेट में विकेट्स नजर आती थी, जो जस्टिफाई कर देता था कि ठीक है रन ज्यादा जरूर दिए, लेकिन की मोमेंट्स पे वो विकेट्स भी लिए। अगर वो विकेट्स ना लेते, कल की परसों की बात कर लें, अगर हारिस रऊफ वो आउट ना करते, हाफ वे मार्क अगर आप देखें न्यूजीलैंड का टोटल, एक ब्रेक के ले लूं? जी बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो यही बात जो कह रहे हैं अहमद भाई, इसी पर जरा डिस्कस करेंगे कि अगर वहां पर वो मोमेंटम चेंज हो सकता था, वाकई सही बात है वहां पर वो आउट ना होते थे तो बात आपकी हाथ से थोड़ी सी निकल के 15 रन या 12-15 रन ऊपर भी जा सकती थी। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, अरफा ने भी ज्वाइन कर लिया, हमें थोड़ी सी सिग्नल इशू हुए लेकिन अरफा भी हमारे साथ आ गया। अरफा अच्छा जल्दी से सर, अरफा पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि यार एक तो जो बैटिंग ऑर्डर है हमारा वो ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए हमने जाना है, जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए हैं, तो बैटिंग ऑर्डर ओके है, कोई इशू नहीं, या फिर हमें साउथ शकील जैसे बैट्समैन की कमी मिडल ऑर्डर में महसूस हो रही है या सिर्फ मुझे ही हो रही है? अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। देखिए अरसलान, इस बैटिंग ऑर्डर से पहले या पाकिस्तान के जो भी बैटिंग ऑर्डर बन रहा है उससे पहले हमें जो है वो
पीसीबी और आईसीसी पर थोड़ी सी तनकीद करनी इस पर बनती है, क्योंकि एफटीपी जो है वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे आपको मालूम है कि हमने पाकिस्तान ने 2019 वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ 24 या 25 ओडीआई हमने खेले हैं, जबकि इंडिया ने सबसे ज्यादा खेलों को 54 के आसपास उन्होंने खेले हैं, और ये सबसे कम है हमारे, यानी कि आयरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इनसे भी कम हमने ओडीआई खेले। तो जब हमारे ओडीआई ही कम होंगे तो उसमें प्रिपरेशन हम लोग जो वो किस तरह से किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए करेंगे। अभी भी जो हमारी रोड टू वर्ल्ड कप जो जर्नी है हमारी, उसमें सिर्फ एशिया कप है, एशिया कप भी अभी टगमगा रहा है कि क्या वो होता है या नहीं होता, सबने कुछ तरह की आ रही है, फिर से पहले सिर्फ न्यूजीलैंड के हमारे पास जो सीरीज है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास इस टाइम प्रिपरेशन के लिए जो वो वाफिर मिकदार में मैचेस नहीं है। तो पहले तो उसको हमें देखना होगा, उसके बाद फिर क्या हमारा कॉम्बिनेशन बनना है या उस पर क्या होता है, वो पीसीबी को जरूर इस पर सोचना चाहिए। आपने कॉम्बिनेशन की बात की, देखिए शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने कोशिश तो की है मिडल ऑर्डर में करने की, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक टेम्पररी किस्म की एक हिकमत अमली है, क्योंकि बाबर आजम खुद भी जो है वो इस बात के स्ट्रांगली एडवोकेट वो करते हैं कि जो खिलाड़ी जिस नंबर पे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे या उसने कहीं भी परफॉर्मेंस दी है जिस नंबर पे, उसी नंबर पे उसे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो खेलना चाहिए। तो शान मसूद तो और अब्दुल्ला शफीक हैं, वो दोनों प्रॉपर जो है वो ओपनर्स हैं, या फिर वन डाउन चले कर लें, लेकिन चौथा नंबर जो है वो प्योर मिडिल ऑर्डर जो है वो बेटर होता है। और हमने देखे शान मसूद भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि अगर तो वर्ल्ड कप को देखना है तो एक तो सऊद शकील और दूसरा फिर इफ्तिखार अहमद, ये तो होने चाहिए। हारिस सुहेल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से उन्हें जो है वो नजर लग गई है काफी, नजर उन्हें पहले उतारनी चाहिए, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े कदम रखने से नहीं है। अरफा आप खुद देखें, जब वो बलूचिस्तान से खेलने गए वहाँ ये इशू रहा, फिर फैसल इकबाल के साथ एक इंसिडेंट हो गया, और फिर उनके फिटनेस इश्यूज रह रहे हैं, वो थोड़ा काम भी नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है, मैंने देखा है जहाँ तक मुझे लगता है, या तो मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, पर मुझे लगता है इतना काम नहीं कर रहे, वो सीरियस नहीं ले रहे अपनी फिटनेस को। हारिस देखिए कभी कोचेस के साथ मसला हो जाता है, कभी जब वो न्यूजीलैंड के टूर पे जिन आ जाते हैं, कभी जो है वो उनके फिटनेस के जो मसाइल आ जाते हैं। तो अभी जो इंटरिम चीफ सेलेक्टर थे हमारे फॉर्मर शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी कहा था कि मैंने हारिस को बुलाया था, खिलाया भी, लेकिन जब मैंने उसे ग्राउंड में देखा तो मैं उसकी फिटनेस से सेटिस्फाइड नहीं था। और जाहिर सी बात है जब आपकी ये गेम ही जो है वो फिटनेस पे सारी इवॉल्व करती है, फील्डिंग जब आप कर रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस सेशन में इधर उधर दौड़ लगा रहे होंगे, तो वहां गिरना या किसी के साथ टक्कर होना ये होगा, ये नॉर्मल सी बात है। और पहली अगर टक्कर हुई उनकी शादाब के साथ, वो नहीं सस्टेन कर पाए, और अब मालूम नहीं कि क्या उनके जो है वो एमआरआई स्कैन क्या आए हैं, जाहिर सी बात है पूरी सीरीज से वो बाहर हो गए हैं। अब देखना होगा कि उनका रिप्लेसमेंट इफ्तिखार तो उन्होंने पीसीबी ने ऐलान किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब हारिस सुहेल जो वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे, क्योंकि एकदम से डायरेक्टली वर्ल्ड कप में लाना मुझे नहीं लगता ये हिकमत अमली पीसीबी सिलेक्शन कमेटी अपनाएगी। अच्छा, शकील का क्या इशू है अरफा, कोई रीजन है उसको ना खिलाने की, यहाँ पर उस पर छाप लगा रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट प्लेयर है, बल्कि वो वनडे अच्छा प्लेयर है और मिडिल ऑर्डर का तो मेरा ख्याल है अच्छा। मैं जरा अहमद भाई से भी इस पर डिस्कस करूंगा, पहले आपसे आपका व्यू चाहिए। देखिए सऊद शकील को बहुत मिसट्रीट कर रहे हैं पीसीबी सिलेक्शन कमेटी भी, और इवन के हम जर्नलिस्ट को भी मैं इसमें दो है वो दोष दूंगा, क्योंकि एक टाइम अयूब वाइट बॉल प्लेयर में टी20 में, और सऊद शकील ओडीआई और टेस्ट प्लेयर में, ये मेरा दावा है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है पाकिस्तान के लिए आफ्टर बाबर आजम। सऊद शकील को अगर आप देखें तो उनके ना स्ट्राइक रेट पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता है कि उन्होंने जो है वो ओडीआई में 60 के स्ट्राइक रेट से खेले। यार आप पहले ये तो देखें कि उन्होंने मैचेस कितने खेले हैं, 4 मैचेस खेले हैं, एक जो है वो 90 नंबर पे जाकर खेले, एक चौथे पे खेले, एक पांचवे पे खेले, एक तीसरे नंबर पे खेले, कंसिस्टेंटली उनको चांस तो दो। और वो जो ड्रॉप हुए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप नहीं हुए, अगर थोड़ा सा याद करें तो उनके साइनस का मसला था, साइनस की जो है सर्जरी कराने की वजह से उनको जो है वो रेस्ट दिया गया था, वो रेस्ट जो है वो ड्रॉप में तब्दील हो गया, और उसके बाद पीसीबी सिलेक्शन कमेटी भी उन्हें भूल गई है। मैं ये इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि सऊद शकील जो है ऑलरेडी अपनी जो इंटरनेशनल कैरियर में उनकी आमद जो है वो 3 से 4 साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये भी लेट है, और अब जो एक आपका टैलेंट बना हुआ है उसको अब आप बेस करो टेस्ट क्रिकेट तक उनको महदूद किए हुए, ये गलत बात है। उनको ओडीआई क्रिकेट में जरूर लाना चाहिए और वर्ल्ड कप में उनको जरूर आजमाना चाहिए। इफ्तिखार अहमद के साथ बेशक आप चले प्लेइंग 11 में ना लें, लेकिन बेंच में रखें, वो आपका एक नेक्स्ट बिग थिंग है, ये मेरे हिसाब से। यही बात हम कामरान गुलाम के साथ भी कर रहे हैं अहमद भाई, कामरान को एक बार बेंच का हिस्सा बनाते हैं फिर उसको बेंच पे भी नहीं बिठाते, इज अ वंडरफुल प्लेयर, उस कितना स्कोर करे, उसने रिकॉर्ड बना दिए डोमेस्टिक में, लेकिन उसको हमने टेस्ट में भी मौका नहीं दिया। पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। बेसिकली हमने जो क्राइटेरिया बना लिया पाकिस्तान सुपर लीग टी20 को बना लिया, और उसको देखकर हम प्लेयर को वनडे में और टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। प्लेयर आपको नजर आ गया, नो डाउट टैलेंट है, अगर वो PSL में T20 में परफॉर्म कर रहा है उसको 4 डे क्रिकेट खेलने दें, उसको कायदे आजम ट्रॉफी खेलने दें,
उसको अपनी गेम को डेवलप करने दें। लास्ट ईयर अगर आप देखें हैदर अली की क्या परफॉर्मेंस थी और इस साल उसने क्या गेम में इम्प्रूवमेंट लेकर आया है, जो बॉक्सेस आपने सेट किए थे उन सबको वो टिक कर रहा है नहीं करा, अगर तो उसकी गेम में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो यहाँ पे दो लोगों का कसूर है, एक तो उस इंडिविजुअल का खुद और साथ ही साथ जो आपने उनके साथ कोचेस को साथ एसोसिएट किया है, कोचेस का इनपुट उसकी गेम में डेवलपमेंट कहाँ नजर आ रही है आपको? सर, नहीं नजर आ रही। वर्चुअल डायरेक्टर भी आ गए ना कोचिंग स्टाफ के, मतलब वो तजर्बा पता नहीं कामयाब होता है दुनिया में कहीं तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसी चीज करता है जो कहीं पे नहीं हुई होती। और ऑब्वियसली ये सवालिया निशान है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान है, अगर होता तो दुनिया की बाकी टीमें भी इसी तरह ये काम कर रही होती। लेकिन बात टैलेंट की हो रही है और टैलेंट की गेम डेवलपमेंट की हो रही है। आपने सऊद शकील की बात की, नो डाउट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, और अरफान जिसम की भी, और बिल्कुल अरफान जिसम बात की मैं सेकंड करूंगा कि दो चार मैचेस के बाद हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि प्लेयर अच्छा है या नहीं है। आप उसको एक सीजन दो सीजन खेलने दें पाकिस्तान टीम के साथ, अगर ले आपने ये फैसला कर लिया कि इसको पाकिस्तान के साथ खिलाना है तो शान मसूद की तरह एक मैच खिला के बाहर ना करें, वो उसके साथ ज्यादती हो जाती है। आपको जस्टिफाई करना उसका टैलेंट, उसको पूरे मौके दें, उसके बाद अगर वो नहीं खेल पा रहा तो फिर आप उसको साइडलाइन कर सकते हैं। और शान मसूद मेरे ख्याल से टेस्ट मैच और चले वनडे के लिए सूट करता है। हमारी गलती वहाँ हुई जब हमने शान मसूद को T20 में इंडक्ट किया। देखिए एक प्लेयर का नेचुरल स्टाइल नहीं है वो, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की तरफ से ज़रूर परफॉर्म कर रहा है, रिजवान की वजह से परफॉर्म कर रहा है, रिजवान सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, रन स्कोरिंग बहुत आसानी कर देते हैं अपने साथ वाले खेलने के लिए। जिस तरह रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप में हमने देखा कि बाबर इनिंग्स को कैरी करते हैं एंड तक और रिजवान दूसरे एंड से रन बना, यही मुल्तान सुल्तान में शान मसूद के साथ। लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो ऑब्वियसली एज एन ओपनर वो नहीं आते, मिडल ऑर्डर में आते हैं जहां आपको पता है कि पावर प्ले के बाद जो स्टार्ट मिला आपको उसको कैरी ऑन करना है और फिनिश करना ऑन हाई नोट, लेकिन वो शान मसूद के गेम का स्टाइल अच्छा, नहीं है। अच्छा स्पिनर पे भी थोड़ी सी अरफक यार, स्पिनर की बड़ी कमी दिखाई दे रही है मुझे तो, ऑफ स्पिनर बड़ा मसला है, ऑफ स्पिनर ऐसे लगता है जैसे हमारे पास डोमेस्टिक में भी खत्म हो गए हैं। अरसलान देखें, जब 15 डिग्री का मसला आया था ना, सही अजमल और जो मोहम्मद अकीज का जो एरा था आखिरी जो उनके थे दिन, तो तब के बाद से जो ऑफ स्पिनर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अब देखें कि हालात हैं तो ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन होंगे या नेथन लायन होंगे, सिर्फ ये दो हैं मेरे ख्याल से, और इसके अलावा मुझे कोई फ्रंट लाइन पे कोई अटैकिंग ऑफ स्पिनर मुझे दिखाई नहीं देता। तो जब आपके जो नए बच्चे आते हैं वो जाहिर सी बात है अपने हीरोज को देखते हैं, सईद अजमल को भी देखकर काफी बच्चे जो है उन्होंने अपने आप को ऑफ स्पिनर की तरफ जो है वो रागिब किया होगा, लेकिन जब आपके हीरोज उस चीज के खत्म हो जाए और जब आप उस आर्ट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये बात सही है। अच्छा आजकल एक नया ट्रेंड भी अरफा के आप लेग स्पिनर हो और साथ बैट्समैन हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त कम था तो चलें इंशाल्लाह अगले वीक पे रख लेंगे कि अच्छी डिस्कशन हो रही थी, एक बार फिर ज़रा ऑफ स्पिनर की डिस्कशन हो जाएगी। अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, नाजरा मुश्ताक भी बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।